नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल का आपका संडे का दिन था, जो छुट्टी का दिन था, बहुत अच्छे से गुजरा होगा। आपने बहुत सारी मस्ती क्योंकि रेस्ट किया होगा और थोड़ा रिवीजन भी किया होगा। तो अब आप अगले 6 दिनों के लिए चार्ज हो गए होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। आपको यहाँ पर 30 दिनों का स्टडी चैलेंज चल रहा है। हर दिन आपके नए टॉपिक, नए चैलेंज आपको दिया जाता है। तो आप आज 30 दिन के लिए चैलेंज के लिए तैयार होंगे। आज हमारा डे 3 है। इसमें आपको अभी तक जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो एक्सेप्ट कर सकता है। जो नए छात्र हैं, जो आज से जुड़ रहे हैं, वो इसको आज से चैलेंज कंप्लीट करें। बाकी 2 दिन का जो चैलेंज छूटा हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है एक्स्ट्रा तो आप उसको बाद में आप पूरा कर सकते हैं। या आपका 30 दिन का जब चैलेंज हो जाता है पूरा, उसके बाद में आपके बचे हुए जितने चैलेंज हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर नए टॉपिक रहते हैं हर दिन के, तो पिछले चैलेंज से आपका कोई रिलेशन नहीं रहता। नए टॉपिक, नए चैलेंज रहता है हर दिन का आपका अलग। इसमें आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। पर डे आपको 24 घंटे में आपको कंप्लीट करने रहते हैं और चैलेंज को पूरा करने में लगा 7 से 8 घंटे आपको लगते हैं। तो पूरे दिन का आपका शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। हर दिन आपको मॉर्निंग में इसकी वीडियो मिल जाती है। समय हमने डिसाइड कर दिया 5 बजे आपको वीडियो आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी छात्र परेशान थे कि 5 बजे आए। वैसे मोस्टली छात्र चाह रहे हैं कि 8 बजे वीडियो आए, लेकिन 8 बजे वाले छात्र, उनके लिए डाटा अपना ऑन करना होगा। तो 7 बजे अपना डाटा ऑन करेंगे तब आप 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि पहले से अपलोड रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो हमारे 5 बजे वाले छात्र हैं उनके पास कोई मौका ना रहे, कोई बहाना ना बने कि 5 बजे वीडियो नहीं आया था इसलिए वो स्टडी चैलेंज को पूरा नहीं कर सके। तो वीडियो का टाइमिंग 5 बजे रख दिया गया है। जो 8 बजे वाले स्टूडेंट वो 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। 8 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक उनके पास समय रहेगा। और जो 5 बजे स्टूडेंट शुरू करेगा उसके लिए 5 बजे से 5 बजे तक का समय रहेगा। तो समय आपके लिए उतना ही दिया जा रहा है, 24 घंटे। और कब शुरू करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। 5 बजे करें, 6 बजे करें, 7 बजे करें, 8 बजे करें, यहाँ पर डिपेंड करता है। और आपके पास 24 घंटे रहेंगे। 8 से करेंगे तो 8 से 8 तक का समय रहेगा, और 5 से करेंगे तो 5 से 5 बजे का। 5 बजे इसलिए समय रखा गया क्योंकि काफ़ी छात्र मांग कर रहे थे कि 5 बजे रखा जाए, जिससे कि उनका पूरे दिन का शेड्यूल वो अपना बना सकें। तो 5 बजे रख दिया गया। अब आपके पास कोई बहाना नहीं, अब आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करिए। ये चैलेंज हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी एक्सेप्ट करिए। जिनको लगता है उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर गट्स है, वो इसको पूरा कर सकते हैं। तो इसको आप स्वीकार करिए और इसमें जितने भी टास्क दिए गए ईमानदारी से सबको पूरा करिए। आप इससे अपनी तैयारी 1 महीने में बहुत अच्छी कर सकते हैं, 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इससे आप रैंक बहुत अच्छी अपनी ला सकते हैं, देख सकते हैं। ये UG और PG सभी कोर्सों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके इसमें टॉपिक दिए गए जो UG और PG के कोर्सों में आते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आपके लिए अपने दोस्तों के साथ में इनवाइट करना है, पर्सनली 5 लोगों को आपको पर्सनली मैसेज करना है। बाकी आपको फेसबुक और व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर कर दीजिए। हमारा टारगेट 1000 लोगों को हमें जोड़ना है इस चैलेंज में आपके। तो 1000 लोगों को जोड़ने के लिए आपको सबको शेयर करना पड़ेगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सबको आपको शेयर करना है। जितने भी आपके फेसबुक के ग्रुप हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में सबको शेयर कर दिए। जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ही मज़ा आएगा आपको, और मुझे भी आपको इसमें चैलेंज देते समय मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ते समय मज़ा आएगा। ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा, इससे आप सभी को शेयर कर दीजिए। क्योंकि इसमें हर दिन नए टॉपिक दिए जाते हैं, तो पिछले दिन की वीडियो से कोई मतलब नहीं रहता। तो नया चैलेंज रहता है, तो हर दिन आपका नया टास्क रहता है। तो कोई भी व्यक्ति कभी से ज्वाइन कर सकता है इसको, तो आप इसको इनवाइट कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग की आपकी PDF डाल दी है, रीजनिंग में आपको उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन आपके, और उसमें आपको काफ़ी सॉल्यूशन भी दिए गए। तो सॉल्यूशन भी दिए गए, उसको आप अच्छे से एक अच्छी बुक है PDF आपकी डाल दीजिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग की नई बुक है, कल ही डाली गई उसमें, और बाकी जो PDF है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं इंडियन सोन, आपको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नाम आपको दिए गए दोनों, आप इससे सर्च करेंगे और मुझे इससे सर्च करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे प्राप्त कर लेंगे। और कोई भी आपकी क्यूरी तो आप उसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और कोई और डाउट है तब भी आप पूछ सकते हैं। पढ़ाई संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें अपने टॉपिक देखते हैं, हमारा आज का मैथमेटिक्स का टॉपिक देख लीजिए। आपका एज प्रॉब्लम है, तो एज प्रॉब्लम से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे अच्छे से कर ले रहे हैं। ये वैसे आपका कॉमन टॉपिक है आपका, जो आपका रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछा जाता है। तो ए रिलेशन के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कितनी आयु थी ये निकालने रहते हैं, तो इसको आपको मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक है, आपको आपको आयु संबंधी जो आपका एज रिलेशन आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको करना है सॉल्व। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, पहले किसको रखते हैं। जरूरी नहीं कि मैथ को ही पहले करना है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पहला सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं। और पूरे दिन में आप अच्छे से इनकी सबकी तैयारी करनी है। रीजनिंग में आपका ब्लड लेसन है, ब्लड लेसन आपका आज का टॉपिक है रीजनिंग का। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फोटो वाला पूछा जाता है कि फोटो दिखाएगा, मैला पूछते हैं क्या रिलेशन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें आपको आपके जो ब्लड लेसन के क्वेश्चन है आपके रक्त संबंध से वो आपके पूछे जाते हैं। इसको आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, रीजनिंग का टॉपिक आपका। आगे देख लीजिए, आपका सामान्य हिंदी का टॉपिक है हमारा, देख सकते हैं। पर्यायवाची आपको कल भी आपको पर्यायवाची दिए गए थे, 100 पर्यायवाची आपको करने थे, 100 आज के ऐड कर दिए गए। कल के आपके आज के दोनों का आपको कल के रिवीजन करना है, और आज के नए आपको याद करने हैं। विलोम शब्द आपके 300 प्लस कर दिए गए, आपके 600 विलोम शब्द हो गए आज के। तो कल के आपके 300 विलोम शब्द थे उनको एक बार थोड़ा सा निगाह डाल लीजिएगा,
रिवीजन करने का मतलब ये कल पे थोड़ा सा आप सरसरी निगाह एक बार डाल लीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट आपको लगते हैं तो आप उसको कर लीजिए, उसके बाद आपको नया टॉपिक जो है आपको आज के अगले के आपको 300 आपके पर्यायवाची वो आपको करने हैं। तो हिंदी में आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको दोनों करने, 100 आपके पर्यायवाची और 300 आपके विलोम शब्द। और कल मैंने बताया इनको किस तरह से पढ़ना है, तो भाई आपको आज भी आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए आपके इंग्लिश में भाई आपका वोकेबलरी चलेगा आपका 30 कल के थे, और इससे पहले जो आपका वोकेबलरी है ईडीएम है और बनवर्ड्स है, हर एक के 30 है आपके, बनवर्ड्स आपके 30 है और 30 आईडीएम है और 30 आपका वोकेबलरी है। वोकेबलरी आपके साइनो एंटे रहते हैं, तो आपको 30-30 आकर के आपको सबके करने हैं, तो 30 आपके कल के थे वो रिविजन करने हैं, और आपके नए आज के नए 30 आपको ऐड हुए हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी आपका ग्रामर का टॉपिक आपका एडजेक्टिव है, इसमें आपको एरर छाटी रहती है, जो एडजेक्टिव से आपके जितने भी रूल बनते हैं वो आप सब अच्छे से याद कर लीजिए। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है ये भी पूछा सकता है, तो एडजेक्टिव आपको पढ़ना है ग्रामर का। अब वोकैब और ग्रामर दो ही आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश में, दोनों को साथ में हम करते चल रहे हैं, तो इंग्लिश में आप अच्छे से कमांड रखिए, क्योंकि इंग्लिश में आपके क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक आप गुप्त देख सकते हैं, गुप्त काल है, गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता पीरियड से आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। जो और जो इसका समुद्रगुप्त है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके जो शासक हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है आपके, उनने कौन सी उपाधि धारण की और कोई इमारत या मंदिर बनाया तो उसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है, और मुद्रा कौन सी चलाई, तो इन चीज़ों पर फोकस रहना चाहिए। गुप्ता पीरियड आप अच्छे से पढ़ लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ज्योग्राफी में आपकी इंडियन रेमा जो प्रमुख नदी हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनका ओरिजिन पॉइंट आपको दिखाना बताना है कहाँ से हुआ है, और आपको उनकी जो सहायक नदियाँ हैं आपकी ट्रिब्यूटरी हैं वो क्या है, तो वो सभी आपको याद रखने, और हो सके तो इनके जो फेमस नगर हैं वो कौन कौन से हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो भी आपको हो सके तो याद कर लीजिए। और जो साउथ की नदियाँ आपकी गोदावरी है, कृष्णा है और आपका, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके साउथ की नदियाँ भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कृष्णा से पूछा जाता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान का कहाँ गिरती है, ये भी साथ में याद के लिए कि कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उद्गम स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं, और रिविजन के तौर पर आपको सौर मंडल याद करने और दर्रे याद कर लेने, इससे पहले आपके जो थे दर्रे आपको याद हो चुके होंगे उसको आपको एक बार नहीं डालना, सौर मंडल आपको कल अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए आप पॉलिटी का, आपका पॉलिटी में आपके सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो आपके विदेशी सोर्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, जो भारतीय संविधान में विदेशी सोर्स हैं, जैसे हमने अमेरिका से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, फ्रांस से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, और आपके तो कई देशों से हमने मिला के अपना संविधान बनाया, तो कौन कौन से आपके सोर्स थे, तो विदेशी सोर्स थे वो आपको पढ़ने, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और आपकी लिख लीजिए कहीं पे बना के, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है तो बाद में आपको रिवीजन भी करना होगा। आर्टिकल देख लीजिए आपको 52 से 60 करने, कल तक हमने 51 का तक बता दिए थे, तो आपको आर्टिकल करने थे, तो आप 51 का तक आपने आर्टिकल वो आपको रिवीजन करने, तो कल वाले आर्टिकल थे, क्योंकि आर्टिकल आपको एक दिन में याद नहीं हो सकते, तो आर्टिकल का आपको साथ में रिवीजन करते जाना, तो आज आपको आर्टिकल 52 से 60 में पढ़ना है, ठीक है। और आगे देख लीजिए आपको अमेंडमेंट भी पढ़ने हैं, जो आपके संविधान सुधार हुए हैं, संशोधन हुए वो भी आपको पढ़ना है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो संविधान आपके संशोधन है वो आपका 21वां संविधान संशोधन पढ़ना, 71वां पढ़ना और 92 पढ़ना, यानी कि 52वां संविधान संशोधन आपको पढ़ना है। ये सभी संविधान संशोधन आपके इसी एक विषय से आपके रिलेटेड इसी रखे गए, एक खास है आपको, तो आपको पढ़ना है 8वीं अनुसूची में इनके जो आपकी भाषा है जुड़ी हुई उससे रिलेटेड है, आपको उसको पढ़ना है, ये आपको एक साथ इसी लिखे गए, आपको एक साथ याद करना है। जैसे मैंने आपको इमरजेंसी बताया था 352, 356 और 360 में आपको ये आर्टिकल हमेशा एक साथ पढ़ने, वैसे ही आपको ये अमेंडमेंट है जो आपको 21, 71 और 92 ये आपको एक साथ पढ़ने, जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको भूल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सभी एक ही चीज़ से आपके रिलेटेड, 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है, तो आपको जो भाषाएं जुड़ी हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसको आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, लंबे समय तक अपने में उसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए करंट अफेयर का आपका टॉपिक है, ये देख लीजिए नोबेल प्राइज विनर थे इसमें, ये छिप गया आपका, नोबेल प्राइज विनर है इसमें, जो आपके नोबेल प्राइज विनर 2019 के हैं वो आपके लिए आपको याद करने, जो भी आपके केमिस्ट्री में किसने जीता, फिजिक्स में किसने जीता, आपके इकोनॉमिक्स में किसने जीता, सभी आपको नाम याद रखने हैं आपको, और जो अपॉइंटमेंट है उनका आपके लिए रिवीजन करना है, बुक्स और अर्थर का आपको रिवीजन करना, तो रिवीजन में आपको ये है, और नोबेल प्राइज आपका करंट का टॉपिक है 2019 में। 2020 का भी नोबेल प्राइज अभी नहीं डिक्लेयर किया गया, वो जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन तब तक आप 2019 के नोबेल प्राइज के जो जिनको मिले हैं उनको याद कर लीजिए, जो भी आपकी विनर लिस्ट है पूरी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखिए कोई भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पिछले हमारे जो चैलेंज थे उनमें आपको जो टॉपिक पढ़े गए थे जिसमें आपको लगता है अभी कमजोर है उसकी प्रैक्टिस करिए, उनको रिवीजन करिए, क्योंकि एक दिन में कुछ चीज़ें नहीं याद होती, जैसे आपको जैसे मैंने अभी अनुच्छेद बताया एक दिन में आप नहीं याद कर सकते, आपने दर्रे की याद किए वो एक दिन में नहीं याद कर सकते, तो आपको जो चीज़ें एक दिन में नहीं याद होती जिन्हें लगता है आपको 3-4 बार रिवीजन करना होगा तो आपको साथ में उनको रिवीजन करना था। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपको लगता है आपको पढ़ना पड़ेगा तो उसको आप रिवीजन कर सकते हैं।
पढ़ाई करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान रखनी है और हमेशा इसको आपको फॉलो करना है। आप अगर आपको लंबे समय तक आपको पढ़ाई करनी है तो आपको हर एक घंटे बाद आपको 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। इस 5 या 10 मिनट के ब्रेक के बीच में आप म्यूजिक सुन सकते हैं। यूट्यूब मत खोलिएगा, क्योंकि यूट्यूब खोलेंगे तो आपका 1 से 2 घंटे आप ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि आप कोई वीडियो देखने लगे उसमें आपको फिर समय चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए डाटा ऑफ रखें, आप पढ़ाई करिए जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई मैसेज ना आए। इस 5-10 मिनट के बीच में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ऑडियो म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई एक्सरसाइज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये इससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं और आपको फ्रेश फील करेंगे। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर करते हैं, आपकी पढ़ाई करिए और 5-10 मिनट का 1 घंटे के बाद हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेते रहिए। ये आपका स्टडी करने का तरीका रहना चाहिए, ये आपका अच्छे से, इससे आप थकेंगे भाई और लंबे समय का पढ़ाई करते रहेंगे। इस 5-10 मिनट के बीच में आप कोई आप जैसे चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हैं। यही आपका ब्रेक करना है, आपको हर 1 घंटे बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लिखना है। पढ़ाई करते समय इन सभी बातों आपको ध्यान रखना है अच्छे से और पूरा टास्क आप कंप्लीट करिए ईमानदारी से आपको, क्योंकि इसमें मेहनत तो है, आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आप मेहनत करते रहिए और पूरे लगन जज्बात के साथ इसको पूरा करिए। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी कि कल मिलते हैं हम और नए टॉपिक और आपके नए डे के साथ में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा टैलेंट आपको कंप्लीट करना है, ईमानदारी से करना है सब, कोई भी आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं स्टडी चैनल में उसके साथ में शेयर कर दीजिए। और आप इस पर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर इंडिया सुन, आपको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, इस नाम से आप सर्च करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी आप डायरेक्ट आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए अच्छे से।